मैं हूं नंदिता और आप सभी का मेरे चैनल गोवा ब्लॉगर नंदिता में स्वागत है। आज मैं गोवा के एक फेमस बीच जिसका नाम है अरंबोल बीच, उसकी सैर कराऊंगी। मैं आपको बताना चाहूंगी कि यह बीच रशियन लोगों का पसंदीदा बीच है और हर साल ऑन सीजन मींस अक्टूबर से मई तक यहाँ रशियन लोगों की भीड़ लगी रहती है। इस कारण से इस बीच को रशियन बीच के नाम से भी जाना जाता है। आज है 15 दिसंबर और मैं आपको गोवा की प्रेजेंट सिचुएशन दिखाने के लिए डायरेक्ट इस बीच में आ गई हूँ और आप देख सकते हैं कितने कम टूरिस्ट हैं इस बीच में। पेंडेमिक का बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है इस बीच पर। इस बीच का लॉकडाउन के पहले का वीडियो अगर आपको देखना है तो आप आई बटन में जाकर या इंड स्क्रीन में जाकर देख सकते हैं। मैं आपको जस्ट वीडियो दिखाऊंगी, आपको इस बीच पर आना चाहिए या नहीं ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा। इससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि यह बीच पंजिम सिटी से लगभग 35 किलोमीटर दूर है और इस बीच पर विदेशी लोग मार्केट लगाते हैं जिसे हिप्पी मार्केट कहा जाता है। अभी हिप्पी मार्केट नहीं स्टार्ट हुआ है क्योंकि विदेशी टूरिस्ट इंडिया में अभी अलाउ नहीं है। अगर आप हिप्पी मार्केट का वीडियो देखना चाहते हैं तो आई बटन में जाकर या इस वीडियो के अंत में जाकर आप देख सकते हैं। मैं वहां पर इंड स्क्रीन में लगा दूंगी। आपको कुछ विदेशी टूरिस्ट घूमते हुए दिख रहे होंगे। ये टूरिस्ट लोग लॉकडाउन में अपने देश नहीं गए हैं, ये मार्च से अभी तक इंडिया में ही हैं और अपने देश नहीं जाने का निर्णय लिया था। अभी इस बीच पर बहुत कम टूरिस्ट हैं, लेकिन जब इंटरनेशनल टूरिज्म ओपन हो जाएगा तो आप इस बीच का वीडियो देखना मत भूलना, आपको बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिलेगा। यहाँ पर कुछ इंडियन टूरिस्ट ही हैं। इस बीच के राइट साइड कालचा बीच जहाँ पर फ्रेश वाटर लेक है और लेफ्ट साइड मॉन्ड्रिम बीच है। इस बीच की ये हालत देखकर मैं आपको बताना चाहूंगी कि आप अभी इस बीच में न आए। अभी आप बागा, कलंगुट और बागाटोर बीच का विजिट कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत ही क्राउड है इस समय पर। Thank you.
मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब कर देना, जिससे गोवा की लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।